Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और आप लोग अपने इस परिवार द स्पीड स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये अपना परिवार है, हमारा परिवार है, आपका परिवार है, हम सब का परिवार है। ठीक, तो बच्चों की मांग थी कि जो है सर बीएड सेकेंड सेमेस्टर की जो है साइंस बनाई जाए, तो चलिए हम आज साइंस पर पहला वीडियो लेकर आए हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि साइंस में आखिर अपने सिलेबस में क्या है। तो हमारे चूंकि जो बीएड की साइंस है उसमें चार यूनिट है। ठीक, तो मेन जो दो यूनिट है, हम पहले दो यूनिट चर्चा करेंगे। कौन कौन सी यूनिट रहेगी? हमारी यूनिट थ्री रहेगी और यूनिट फोर रहेगी। यूनिट थ्री और यूनिट फोर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम यूनिट फर्स्ट और सेकेंड पढ़ेंगे। ठीक, तो चूंकि यूनिट थ्री और फोर से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने पहले ये यूनिट उठाया है। और ये यूनिट इसलिए उठाया क्योंकि आप लोग इंटर में पढ़े भी होंगे, तो ये यूनिट आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा यूनिट थ्री है, इसमें जो है हमको क्या पढ़ना है। यूनिट थ्री में हमको पढ़ना है पदार्थ के बारे में। क्या पढ़ना है? पदार्थ के बारे में पढ़ना है कि आखिर पदार्थ क्या है, आखिर पदार्थ क्या है। तो पदार्थ क्या है ये चीज पढ़ना है, और उसके बाद उसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, पदार्थ की अर्थ और परिभाषा पढ़नी है, उसका लक्षण पढ़ना है कि पदार्थ के क्या क्या लक्षण होते हैं। पदार्थ को ही द्रव कहते हैं, द्रव्य। द्रव और द्रव्य दोनों अलग अलग चीज है। द्रव पदार्थ का ही एक भाग है, लेकिन द्रव्य, द्रव्य के अंदर सब कुछ आ जाता है। फिर पढ़ना है हमको द्रव्य की अवस्था, की द्रव्य की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। फिर हमको पढ़ना है द्रव्य की अवस्थाओं में तुलना, कि द्रव्य में जो अवस्थाएं हैं उनके बीच में तुलना अगर की जाए तो क्या होगा। फिर पढ़ना है द्रव्य का वर्गीकरण, फिर पढ़ना है मिश्रण, फिर मिश्रण के प्रकार, विलयन का विश्लेषण, कोलाइडी विलयन और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट्स आप लोग हमारे साथ साथ बनाते चलिएगा। ठीक, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे कमेंट करिएगा, तो हम लोग इसकी जो है पीडीएफ बना के आपको दे देंगे। अनुराग शुक्ला जी आपको जो है वो चीज पहुंचा देंगे पीडीएफ आप तक, तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, तो जो कि अनुराग शुक्ला हमारे इस परिवार के एक सदस्य हैं, और वो जो है हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इस परिवार को बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से प्रयत्नरत्न है। तो चलिए हम देखते हैं आज जो हमारा टॉपिक है पदार्थ। ठीक, तो आप इसको लिख लिए होंगे, हम चलते हैं पदार्थ पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये पदार्थ है क्या। पूरे संसार में जो भी चीजें आपको दिखाई देती हैं, सभी जो है पदार्थ। एक शब्द, पूरे संसार में जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं, जिसे आप छू सकते हैं, वो क्या है? पदार्थ है। ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, इसको देख भी सकता हूं, इसको मैं छू भी सकता हूं, ये पदार्थ है। ये मार्कर है, इसको मैं देख भी सकता हूं, छू भी सकता हूं, पदार्थ है। मैं खुद छू भी सकता हूं, अपने आप को देख भी सकता हूं, मैं खुद पदार्थ हूं। लेकिन अभी मन की बात कर ली जाए, तो मन को ना तो आप छू सकते हैं, ना तो मन को आप देख सकते हैं। तो मन पदार्थ है? नहीं, पदार्थ नहीं है। हवा, हवा पदार्थ है। आप लोग सोच रहे होंगे सर, अभी आपने कहा कि जो है जिसको आप छू नहीं सकते, वो जिसको आप देख नहीं सकते, वो पदार्थ नहीं है, और हवा को तो हम देख नहीं सकते। अरे भैया, हवा को क्यों नहीं देख सकते? हवा को जब हमारी गाल पर टच करती है तो हमको लगता है ना कि हवा चल रही है। तो हवा को छुआ कि नहीं छुआ? आपका गाल छुआ? हाँ छुआ। तो हवा क्या हो गया? द्रव्य हो गया। तो संसार की समस्त चीजें जिस जो दिखाई देती हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो क्या है? पदार्थ है, द्रव्य। तो परिभाषा अगर देखें तो पदार्थ वह वस्तु है जो हमें दिखाई देती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। पदार्थ वह वस्तु है जो हमें दिखाई देती है और जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। ये सभी क्या चीज है? ये सभी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं।
उसके बाद जो है हम लोग क्या देखेंगे, मूल लक्षण, पदार्थ के मूल लक्षण, पदार्थ के मूल लक्षण, पदार्थ के मूल लक्षण है क्या क्या। भाई हमने अभी बताया कि पदार्थ को हम देख सकते हैं, पदार्थ स्थान घेरता है, ठीक, पदार्थ को हम छू सकते हैं। तो जो मूल लक्षण होंगे, मूल लक्षण इसके तीन हैं। कितने हैं? तीन। पहला द्रव्य स्थान घेरता है, दूसरा द्रव्य में जड़त्व होता है, और तीसरा गुरुत्वाकर्षण। ठीक, इन तीनों के विषय में आप समझ लीजिए, आप खुद लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। द्रव्य स्थान घेरता है, मतलब क्या हुआ कि द्रव्य की सभी अवस्थाएं, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, द्रव्य तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। भाई या तो कोई वस्तु द्रव्य के रूप में होगी, या तो कोई वस्तु ठोस के रूप में होगी, या तो कोई वस्तु गैस के रूप में होगी। यही तीनों चीज पृथ्वी पर पाई जाती है। इन तीन के अलावा कोई ऐसी चीज आप बताइए, कमेंट कीजिए कि सर ये चीज है ये, लेकिन इन तीन के अलावा कोई चीज है? तो इस तीन के अलावा और कोई भी चीज नहीं है पृथ्वी में, पूरी पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में इन तीन के अलावा और कोई चीज नहीं, ठोस, द्रव, गैस। तो अगर हम द्रव स्थान घेरता की बात करें, तो प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक अवस्था में कुछ ना कुछ आयतन होता होगा। तो इसमें यही लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि द्रव्य की प्रत्येक अवस्था ठोस, द्रव, गैस में कुछ ना कुछ आयतन होता है, इसी से यह पता चलता है कि वह स्थान घेरता है। अगला है जड़त्व। जड़त्व आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, और यह वस्तु तब तक स्थिर बनी रहेगी जब तक हम इस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं, यही जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व क्या हो जाएगा कि जब कोई किसी वस्तु में हम बाह्य बल ना लगाएं और वह अपनी स्थिति में बनी रहे, तो वह जड़त्व की स्थिति कहलाती है। फिर अगला है गुरुत्वाकर्षण। प्रत्येक पिंड, ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं या तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और यही आकर्षण और प्रतिकर्षण जो होता है गुरुत्वाकर्षण का कारण बनता है। तो हमने दो चीज देख लिया कि आखिर द्रव्य या पदार्थ क्या है और इसके मूल लक्षण क्या है। आज हम उसके आगे चर्चा करते हैं। उसके आगे क्या चर्चा करेंगे कि अगला जो है द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं आगे जो हम चर्चा करेंगे, वो हम चर्चा करेंगे कि द्रव्य की अवस्था, द्रव्य की। अभी हमने बताया कि द्रव्य की तीन अवस्था है, पूरे ब्रह्मांड में केवल तीन ही चीज मिलेगी, एक ठोस मिलेगी, एक द्रव मिलेगी, एक गैस मिलेगी। तो द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हैं? द्रव्य की तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। द्रव्य की तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। द्रव्य की तीन अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। तो हम लोग जो है, अब लोग ऐसे लिखते चलिएगा, हम लोग जो है अगला चर्चा करेंगे ठोस पर। किस पर चर्चा करेंगे? ठोस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ठोस क्या है। अगर आप जानें तो एक ऐसे छोटा सा चित्र बना लीजिए, और इसमें मैंने पत्थर नहीं भर दिया है, ये पूरा ठोस है, ये उसके छोटे 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 अणु हैं, और ठोस के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, मतलब उनके बीच में कोई स्थान नहीं रहता। तो क्या कहेंगे हम कि द्रव के, ठोस के अणुओं के अंतरा अणुमान, ठोस के अणुओं के मध्य की दूरी। आप लोग कहेंगे एक बार कहे अंतरा अणु, एक बार कहे दूरी, तो दोनों चीज एक ही है। कहीं अगर दिखा रहे अंतरा अणु स्थान या अंतरा अणु दूरी, तो आप ये जानिएगा कि दोनों पिंडों या दोनों अणुओं के बीच की दूरी की बात हो रही है।
तो ठोस में जो अंतरालु का स्थान होता है वो सबसे कम होता है। ठोस में अंतरालु स्थान सबसे कम होता है। ठोस में अंतरालु का स्थान सबसे कम होता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ठोस एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, और अगर अंतरालु का स्थान सबसे कम रहता है तो इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे को दबाए रहते हैं, एक दूसरे को खींचे रहते हैं। तो यही चीज लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे कि ठोस वे होते हैं जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है। इनके अणु एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। अतः इनके मध्य अंतरालु का स्थान सबसे कम होता है। इनके मध्य अंतरालु का स्थान सबसे कम होता है, अर्थात इनके मध्य आकर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। ठीक। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो इनके अण होते हैं वो एक दूसरे से सटे होते हैं, यही कारण है कि एक दूसरे को खींचे रहते हैं, मतलब आकर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। और अगर आकर्षण बल अगर सर्वाधिक है तो क्या ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अतः इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, मतलब इनके अणुओं के मध्य जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी? बहुत कम होगी। वहीं अगर हम भौतिक गुण की बात कर लें तो ठोस के भौतिक गुण, ठीक, ठोस के जो भौतिक गुण होते हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि जो पदार्थ है उसके जो अणु हैं, परमाणु हैं, वो किस प्रकार व्यवस्थित है, इस बात पर निर्भर करता है कि उनके अणु या परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित हैं, ठीक। जैसे मतलब उनके अणु जो है किस प्रकार व्यवस्थित है, जैसे हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के परमाणु से बने हैं, फिर भी दोनों की संरचना अलग अलग होने के कारण, ठीक, दोनों की संरचना अलग अलग होने के कारण दोनों के भौतिक गुणों में अधिक अंतर पाया जाता है। मतलब कि अगर हम हीरा और ग्रेफाइट की बात करें तो दोनों का कार्बन के परमाणु कार्बन से बने हैं, और दोनों की संरचनाएं अलग अलग हैं, यही कारण है कि दोनों के जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर हम संरचना की बात करें तो देखिए,
ये आपकी जो है हीरे की संरचना है, और हीरे की 2D संरचना है, 3D संरचना भी बना दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि फोन में है, जब PDF दूंगा तो PDF में उसकी संरचना आपको सही से दिखेगी। ये आपकी हीरे की संरचना है। और उसी प्रकार अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ये आपकी जो संरचना है किसकी संरचना है, ग्रेफाइट की संरचना है। तो देख रहे हैं दोनों की संरचनाएं, संरचनाओं में भिन्नता दिख रही है हमको, और दोनों की संरचनाएं अलग अलग होने के कारण इनके जो गुण होते हैं, इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग। ठीक, तो ये चीज है कि ये हमने पढ़ा कि ठोस की क्या विशेषता है, ठोस में क्या होता है। अगर जो है हम बात करें तो कि ताप बढ़ाने की, इसी के आगे एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ठोस ताप की वृद्धि के कारण सर्वाधिक नहीं फैलते। मतलब कि ठोस को हम चाहे जितना गर्म कर दें वो ज्यादा फैलते नहीं है। ठीक, तो इसी के आगे एक लाइन लिख देंगे कि ठोस ताप की वृद्धि से अधिक फैलते नहीं है और दबाने से कम दबते हैं। भाई अगर मैं हथौड़ा दे दूंगा आपको, क्या उसको आप दबा लोगे, नहीं दबा पाओगे, वही चीज कह रहा है। ठीक, और इनका घनत्व अधिक होता है, इनका घनत्व अधिक होता है। ठीक, तो ये चीज हमने आज पढ़ा किसके बारे में, ठोस के विषय में पढ़ा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो द्रव होगा, अगला टॉपिक हमारा द्रव होगा। आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अगर 50-55 बच्चे देखते हैं तो मैं अगला टॉपिक जो है बताऊंगा और आपकी पूरी फिजिक्स में बता दूंगा, कहीं भी कोई भी समस्या आपको नहीं मिलेगी। मिलते हैं, धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे, लाइक और शेयर जरूर करिए।